इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सारा वीडियो सारा क्वेश्चन को करवा चुके हैं, आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं देखे तो फिर से जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का था कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया की बात हो रही है, आम का जो मतलब कि मान के चलिए ना कोई वो आयत का रूप है, ठीक है, आम का बगीचा यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है। आम की बगिया का मतलब कोई आयताकार प्लॉट है, ठीक है ना, और उसमें जो है आम का खेती हो रहा है, इसलिए आम की बगिया के बारे में बात हो रहा है, उसके मतलब नहीं है। जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी हो, देखिए लोड किसके पड़ा, चौड़ाई पे, क्योंकि चौड़ाई से दुगनी हो, लोड जिसके पड़ा है उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं फिलहाल, यहां पे लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर एक्स। तब हम अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे कि क्वेश्चन में बोला था क्या कि जो भी लंबाई होगी ना वो चौड़ाई से दुगनी हो जाएगी, तो चौड़ाई जब x होगी तब क्वेश्चन के अनुसार लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी का मतलब क्या होता है, दो से गुना यानी 2x, दो अधिक का मतलब होता है x प्लस 2, अगर दुगनी बोला है तो दो से गुना यानी 2x पे आ जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। देखिए ये तो लंबाई अलग चौड़ाई अलग, तो ये जाहिर सी बात है ये किसका रूप ले लिए, आयत का रूप ले लिए, अगर आयत का रूप लिए, ठीक है ना, बात समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था ये कैसा रूप लिया, आयत का, अगर लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होता कुछ इस तरीके से, सही भुजा आपस में बराबर हो जाती तो ये वर्ग का रूप लेता, तो वर्ग का फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, ठीक, तो ये कैसा रूप लिया है, आयत का रूप लिया है ना, ये किसका रूप लिया, आयत का रूप है। अब जब आयत का रूप जब दिया गया तो उसका क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए यहां पे समझते हैं इसका क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, पहले आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत आसान है बच्चा वाला, कि लंबाई गुना चौड़ाई जो वैल्यू आएगा वो आयत का क्षेत्रफल आएगा। चलिए आयत का क्षेत्रफल, इसी का तो वैल्यू दिया है 800, या 800 इसके नीचे लगा देंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएंगे ये तो लिखेंगे, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई पता है चौड़ाई पता है क्षेत्रफल भी पता है, तो जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में उस सीक्वेंस में उसको लिख देंगे, आयत का क्षेत्रफल 800, तो 800 बराबर लंबाई, लंबाई को क्या माने हम लोग 2x, तो 2x, और चौड़ाई को क्या माने हम लोग x, तो x, 800 बराबर 2 को इससे 7 गुना कर देगा तो 2 तो 2 रहेगा और x x क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। अब एक तरफ 0 बनाना है तो इसको उधर ले जाएंगे, तो इधर बोल सकते हैं 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 800। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई x वाला टर्म आया ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x वाला टर्म नहीं आया, वो क्यों नहीं आया है इसके बारे में हम शुरू क्लास में ही बता चुके हैं, ठीक है, फिलहाल अभी अगर यहाँ पे जरूरत पड़ता है तो हम इसको बता देते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास a बराबर आ गया 2, a बराबर आ गया 2, b का मान कुछ पता चला, यहाँ पे x के टर्म में b का मान कुछ है ही नहीं, तो b का मान क्या है, 0 है, इसको बता चुके हैं, और c बराबर जो सिर्फ नंबर है वो c कहलाता है, सिर्फ नंबर क्या है, माइनस का 800, माइनस का 800 लिखे तो दिक्कत है। चलिए अब हम लोग d निकालते हैं, तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 800। चलिए 0 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0 और माइनस 4 गुणी का 8 गुना माइनस 800, 0 को लिखे चार ना लिखे, लेकिन अभी लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 8 गुना 8 64, और उसके बाद डबल 0, इसके साथ अगर जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, 64 100 ही कहलाएगा, 0 जोड़े चाहे घटा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डी का मान क्या आ गया, 64 100। अब इसके आगे हम लोग एक्स का मान निकालते हैं, तो जो एक्स का फॉर्मूला होता है उसके अनुसार एक्स का मान इसको पॉज करके पहले लिख लेना, उसके बाद इसके आगे हम बढ़ते हैं। चलिए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बटा 2a, एक्स बराबर माइनस बी, बी देखे तो 0 है, 0 लगा दिए, प्लस माइनस डी कितना आया है, 64 100 लगा दिए, 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है, माइनस 0 प्लस माइनस 64 100 क्या होगा, 80 का रूट होता है, 2 दुनिया का 4,
x बराबर माइनस जीरो और प्लस अस्सी बटा चार और इधर हो जाएगा माइनस जीरो माइनस अस्सी बटा चार, ये जुटेगा या घटेगा वही रह जाएगा, तो अस्सी बटा चार यानी यहाँ से वैल्यू आता है इसका बीस, ठीक उधर पर माइनस अस्सी बटा चार यहाँ से वैल्यू आएगा माइनस बीस, तो हमको माइनस वाला नहीं लेना रहता है क्योंकि लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, कभी भी लंबाई होगी वो प्लस में होगी, तो यही हमारा होता है यहाँ पे आंसर, ठीक है। और इस प्रकार चार अगर ये लंबाई अगर क्या मानते हैं चौड़ाई बीस तो लंबाई उसकी दूरी है तो बीस दूरी का चालीस यहाँ पे आंसर दिखा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो में।